परमिशन मिल चुकी है। जो भी पर्सन सही पोजीशन में हो, सही ड्रेस में हो, तो प्लीज अपनी वीडियो जरूर ऑन करें। दैट्स ग्रेट मिस्टर अरुण कुमार, बहुत अच्छी पोजीशन, वेल ड्रेस। हमेशा जो पर्सन अच्छा काम करते हैं उन्हें अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, उनका हौसला तो बढ़ता ही बढ़ता है, दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलती है, वो भी इंस्पायर होते हैं। तो जो भी पर्सन सही ड्रेस और सही पोजीशन में बैठे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। और जो भी पर्सन अभी सही पोजीशन में आ सकते हैं, जरूर है। तो दोस्तों, आज के मॉर्निंग के शानदार जूम सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये सेशन जो होता है ये है एजुकेशन के लिए। पर एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, एजुकेशन हर वो चीज होती है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हर वो चीज जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने गोल की तरफ जा सकते हैं, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। किसी के दो लफ्ज, चाहे वो आपका जानकार हो चाहे ना हो, उनके वो दो लफ्ज भी आपके लिए एजुकेशन का काम कर सकते हैं। और हमारे मॉर्निंग के जूम सेशन के एजुकेशन मास्टर, हमारे लेक्चरर, आप सभी जानते हैं कि कौन है, योगेश कुशवाहा जी। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने माइक को प्लीज अनम्यूट करें। आर यू कंफर्टेबल? यस सर, गुड मॉर्निंग। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड मॉर्निंग। आपकी वॉइस एकदम क्लियर है। और आज हमें आप कैशबैक प्रोग्राम जो हमारा आया है, आपके पास जरूर पीपीटी होगी उसकी, तो आप हमें कैशबैक प्रोग्राम के बारे में बताएं कि वो वैसे कैसे वर्क कर रहा है, डैशबोर्ड पर कैसे वर्क करता है, उसकी आगे क्या मिलता है, एक बार प्लीज उसको पूरा डिफाइन करें, उसके बाद हम नेक्स्ट लीडर्स पर जाएंगे। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस जूम वेबिनार में बोलने का मौका दिया। साथियों नमस्कार, मैं योगेश, और साथियों आज हम यहां पर रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस बात करने वाले हैं अल्टीमा कैशबैक के बारे में। तो अल्टीमा कैशबैक किस प्रकार से काम करेगा और इसमें हम सभी लोगों के लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, तो आज साथियों आप सभी लोगों को इसकी जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर, साथियों यहां पर बात की जाए तो मैं कोई कंपनी का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। जो इस सिस्टम के तहत मुझे जानकारी मिल रही है वो आप सभी लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और यहाँ पर अभी ये कैशबैक किस प्रकार से काम करेगा, तो साथ ही कुछ यहाँ पर आपको कुछ मौखिक जानकारी भी बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी हम सभी लोग यहाँ पर, अभी बहुत सारे लोग हैं जो कैशबैक को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये कैशबैक है क्या, ये हम सभी लोगों के लिए किस प्रकार से काम करने वाला है। लेकिन साथ ही यहाँ पर आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जिस प्रकार से आज हम सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिजिकली भी कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो साथ ही अगर कैसा हो कि आप जो फिजिकली प्रोडक्ट बाय कर रहे हो उस पर भी आपको 100% कैशबैक दिला दिया जाए, या आप ले सकते हैं टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा सहारा लेके, या आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं Amazon, Alibaba, Taobao, eBay या कहीं से भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग करने पे अभी आप मार्केट में कहीं पे भी देख रहे होंगे, तो आप जब किसी शॉप में जाते हैं, बहुत बड़ी शॉप में जाते हैं, तो वहां पर लिखा होता है 20% डिस्काउंट या फिर 50% डिस्काउंट या फिर कई सारे सेल्स लगी होती है जहां पर आपको कई जगह। लेकिन साथ तो यहां पर आपको मैं जानकारी दूं तो 100% आपको यहां पर कैशबैक मिलने वाला है और 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। जैसे कि एग्जांपल करिए, बहुत सारे लोग हैं जो अभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं भी करते हैं, हम सभी लोग अभी किराने की दुकान पे जाके कोई सामान बाय करते हैं या कोई भी चीज हम गाड़ी के लिए डीजल या पेट्रोल पेट्रोल पंप पे जाके भरवाते हैं, तो अब साथियों कैसा हो कि आप सभी लोगों के लिए उसका पैसा, यानी कि जो खर्चे आप चाहकर भी नहीं रोक सकते हैं, वो खर्चे आपको, यानी कि जो आप खर्चा कर रहे हैं वो भी आपको आने वाले समय में रिटर्न मिले, तो वो आपके लिए कैसे हो सकता है। तो आज आप सभी लोगों को इसकी जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ कि आप कोई भी चीज कहीं से भी अपने पर्सनल, आप पड़ोस की किराने की दुकान से भी जो प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हैं उसका पैसा भी आपको यहाँ पर कैशबैक के रूप में वापस मिलने वाला है। तो आप साथियों मैं आपको ये सारी जानकारी बताने वाला हूँ, उसके लिए आप सिंपल से एक काम कीजिए, आप एक डायरी पेन उठाइए और आप नोट डाउन करिए कि अब ये कैशबैक हमारे लिए किस प्रकार से काम करेगा, इसके लाइसेंस कितने क्या होंगे, लाइसेंस के लिए हमें कैसे बाय करना होगा और इसके लिए हमें स्टार्टअप कैसे करना होगा। तो साथियों हमें यहाँ पर इस चीज का बनना होगा कस्टमर, और कस्टमर बनने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस से गुजरना होगा, तो अब आपको ये सारी जानकारी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए साथियों अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ पर शेयर करूंगा। जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन पर्सन है तो उन्हें अपनी रेफर लिंक कहाँ से निकाल ली है और कैसे अपने
नए पार्टिसिपेंट के पास में उस लिंक को शेयर करना है, क्योंकि साथियों अगर हमें ऑनलाइन शॉपिंग भी करना होता है तो कहीं ना कहीं एक एप्लीकेशन अमेजोन अलीबाबा ताओबाओ कहीं पे भी जाके हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, केवाईसी फुलफिल करनी होती है, फिर उसमें हमें अपना अकाउंट ऐड करना होता है और फिर कहीं जाके हम लोग शॉपिंग कर पाते हैं। तो अभी इसी प्रकार से अब हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ हमें कैसे केवाईसी करनी है, कैसे साइन अप करना है, तो आपको यहाँ पर इसकी जानकारी मैं यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख पा होंगे कि मेरी स्क्रीन यहां पर आप सभी लोगों के सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। और साथियों अब हम यहां पर बात करेंगे कि जब भी हमें अपनी आईडी को लॉगिन करना है तो लॉगिन करने के लिए सिंपली हमें गूगल पर या क्रोम पर जाना है। जब भी हम गूगल या क्रोम पर जाते हैं तो हमें साथियों सिंपली हमें गूगल पर डालना है प्लेटिनम वर्ल्ड। हम यहाँ पर प्लेटिनम वर्ल्ड डालेंगे तो हमारे सिस्टम का ऑफिशियल वेबसाइट डब्ल्यू का मोनो बना होगा, प्लेटिनम वर्ल्ड ऑफिशियल वेबसाइट, इस प्रकार से इंटरफेस आ रहा है। तो आपको इस पे टच करना है और आपको लॉगिन करना है। अगर साथियों यहाँ पर ADSP स्पॉन्सरेड या और भी कुछ प्रकार की जानकारी दी जा रही है तो आपको उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो आपको इस लिंक पर क्लिक करके ही लॉगिन करना है। ओके साथियों, जैसे हम लॉगिन करेंगे तो हमारा इंटरफेस इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देगा। आप सभी लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि हमने लॉगिन पर क्लिक किया, इनके आपको साइन इन का ऑप्शन होगा, साइन इन पर क्लिक करेंगे, अपना मेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे और हमारा अकाउंट इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा। अब साथियों हम यहां पर बात करेंगे कि यहां पर एक साथी मेरे डेमो अकाउंट है और इसमें तो यहाँ पर मैं इसे आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपकी यहाँ पर एक रेफरल लिंक होती है, आपको इस रेफरल लिंक को कॉपी करना है और जो व्यक्ति शॉपिंग करना चाहता है, शॉपिंग में 100% का डिस्काउंट लेना चाहता है, तो आपको उस व्यक्ति को लिंक आपको उसे शेयर करना है और आपको उसे साइन अप कराना है। साइन अप करने की प्रोसेस के लिए सामने वाले व्यक्ति को लिंक पर क्लिक करना है, उसे वो इस डैशबोर्ड पर आ जाएगा। स्पॉन्सर नेम में आपका नाम दिखाई देगा, नीचे वहां पर उसे अपनी डिटेल डालनी होगी, आपका उसका जीमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, नाम, डेलेम और साथ ही वहां पर कंट्री और नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशन के पॉपअप होंगे, वो व्यक्ति उस पर क्लिक करेगा और उसके बाद उनकी ईमेल आईडी पर एक कंफर्मेशन SMS आएगा प्लेटिन इन्फो की तरफ से और वो उस ईमेल पर जाएंगे, वहां करेंगे और साथ ही फिर वो व्यक्ति इस प्रकार से आगे लॉग इन कर जाएगा। अब जैसे ही आप यहां पर लॉगिन करते हैं तो अब आपको कैसे जाना है अल्टिमा कैशबैक के प्रोग्राम के लिए, आपको कैसे वहां पर लाइसेंस बाय करना है, यानी कि अभी से आप इसके यूजर बन चुके हैं। यूजर बनने के लिए आपको कोई भी प्रकार का इसके लिए पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको इसका बेनिफिट लेना है, जैसे कि आपने अगर अमेजोन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया तो एप्लीकेशन पर डाउनलोड करने से KYC करने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको वहां पर शॉपिंग करनी है तो आपको एक अमाउंट ऐड करना होता है, अपना अकाउंट ऐड करना होता है, एक प्रोसेस होती है और आपको बाय करना होता है। इसी प्रकार से साथ यहां पर भी एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के तहत आप यहां पर शॉपिंग कर पाएंगे। शॉपिंग में दिया हुआ अमाउंट आपको रिटर्न कैसे मिल सकता है उसके बारे में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो तो आपको सिंपली यहां पर कुछ नहीं करना है, आपको जैसे यहां पर जाना है तो आपको दोबारा यानी कि डायरेक्टली आप लॉगिन भी कर सकते हैं ultimacashback.com पर, या फिर आपको यहीं से जाना है तो आपको सिंपली अपने मोबाइल में 3 लाइन पर ऊपर क्लिक करना है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके मोबाइल में एक ऑप्शन आ जाएगा अकाउंट सेटिंग का, मेरा लैपटॉप में है तो यही ऊपर ही आएगा। और यहाँ पर हम अकाउंट सेटिंग पर हम जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का यहाँ पर एक इंटरफेस आएगा, कई सारे डैशबोर्ड आएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्लेटिनम वर्ल्ड, अल्टिमा फॉर्म, अल्टिमा कैशबैक, तो साथियों आपको यहाँ पर अल्टिमा कैशबैक पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर अल्टिमा कैशबैक पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से आपका एक डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और साथियों हम यहाँ पर हमने जैसे यहाँ क्लिक किया, अभी हम डैशबोर्ड पर जाने वाले हैं और हम इसके डैशबोर्ड आ चुके हैं। अब साथियों यहां से स्टार्ट होगा आपको इसमें यूजर बनने के बाद इसमें प्रॉफिट आप किस प्रकार से ले सकते हैं, आपके पास में कितने प्रकार की अपॉर्चुनिटी है। तो अब साथियों यहां पर आप देख पा रहे हैं आपका डैशबोर्ड, यहां आपकी सारी चीजें, नाम, आपका पूरा डिटेल आपको दिखाई देगा। उसके बाद में यहाँ साथियों आपका डैशबोर्ड है, कैशबैक हिस्ट्री, यहाँ पर कैशबैक बैलेंस, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देंगी आपको। यहाँ पर इसमें कस्टमर बनने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग लिमिट के लिए एक लाइसेंस बाय करना होगा, क्योंकि आप इसके लिए एक्टिव यूजर होंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर अल्टिमा कैशबैक प्लस कार्ड के आगे एक ऑप्शन है यहाँ पर कैशबैक लाइसेंस,
तो आपको साथ ही यहाँ पर कैशबैक लाइसेंस पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर रेफर करूंगा आपके लिए क्योंकि आप नए यूजर हैं, तो सबसे पहले आप इसका स्टार्टिंग का ही जो फर्स्ट जो हमारा पैकेज है उसको लेके ही आप इसको सीखें। एकाएक आपको बिना जानकारी के बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पहले इस प्रोसेस को सीखना है सिस्टमेटिकल तरीके से, स्वयं आपको करना है साइन अप करना, एक्सचेंज की केवाईसी करना। इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की आवश्यकता और पड़ेगी, कॉइनस्विट एप्लीकेशन और बाइनेंस एप्लीकेशन। तो इन दोनों एप्लीकेशन की केवाईसी होने में 24 घंटे का टाइम लगेगा, 24 घंटे के बाद आप अपने ही हाथों से पूरा प्रोसेस आप कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको यहां पर बताऊंगा, आप यहां पर यानी कि कस्टमर बनने के लिए सबसे जो मिनिमम जो सबसे छोटा जो हमारा पैकेज है वो है 110 यूरो का लाइसेंस, और 110 यूरो का लाइसेंस अब आपके लिए क्या क्या देने वाला है। तो साथियों जब आप 110 यूरो आप अपने बाइनेंस या कॉइनस्विट से आप पे करते हैं तो आपको यहां पर तीन चीजें मिलती हैं, और साथ ही यहां पर आपको मिलता है 0.55 अल्टीमा मैक्स कैश बैक, यहां पर आपको मिलता है 12 महीने की वैलिडिटी, 5500 यूरो का शॉपिंग करने का आपको लिमिट मिलता है, और साथ ही चौथा आपको यहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप इस सिस्टम को एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से इसको प्रमोट करके, आपके बीच में भी बहुत सारे ऐसे यूजर होंगे जैसे कि आप कोई चीज अमेजोन से या किसी आप अपने पड़ोस की अपने गांव अपने सिटी की दुकान से लेके आते हैं, कोई भी कपड़े या कोई भी प्रोडक्ट आप लेके आते हैं तो उसका आप बिना प्रॉफिट के आप प्रचार प्रसार करते हैं कि मैं इस व्यक्ति यानी कि मैं इस दुकान से वॉच लेके आया हूं या फिर कपड़े लेके आया हूं, तो उस व्यक्ति को जब वो चीज अच्छी लगती है तो बिना फायदे के वो उस दुकान पर जाता है और वो प्रोडक्ट लेके आता है जिसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन साथ ही यहां पर आपने एक लाइसेंस बाय किया और उसके बाद में यही प्रॉफिट आपने बताया कि मैं एक ऐसे सिस्टम पे जुड़ा हुआ हूं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी में जुड़ा हुआ हूं जिसमें मुझे यानी कि मैं कोई भी शॉपिंग करता हूं तो मुझे वहां से 100% कैशबैक मिलता है, 20% का मुझे यहां पर रिवार्ड भी मिल जाता है, 20% मुझे कैश वहां पर रिवार्ड डिस्काउंट मिल जाता है फौरन ही, और 100% मुझे रिटर्न भी मिल जाता है। तो अगर आप इतने बेहतर सिस्टम की जानकारी आप अपने किसी भी फ्रेंड को देंगे तो वो भी पूछेगा कि मुझे भी शॉपिंग करना है क्योंकि मेरे भी खर्चे हैं जिन्हें मैं रोक नहीं सकता, मेरे घर के राशन के खर्चे, मेरे गाड़ी का पेट्रोल या डीजल का खर्चा जिन्हें मैं चाह कर भी मैं रोक नहीं सकता, तो अगर इन चीजों पर भी मुझे डिस्काउंट मिले तो हर व्यक्ति आपको यहां पर ज्वाइन करेगा। तो यानी कि आप इसको अगर एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से, ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी प्रकार से आप उससे रेफर करते हैं, उसे इस टेक्नोलॉजी की जानकारी देते हैं तो उस पर भी आपको यहां पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। तो अभी साथियों हम यहां पर बात करेंगे कि यहां पर अल्टीमा कैशबैक लाइसेंस, तो आपको यहां पर चार चीजें मिल गई। पहले तो आपको इसको प्रमोट करने का एक यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, यहां पर आपको 0.55 अल्टीमा मैक्स कैशबैक आपको लिमिट मिल गया, 12 महीने के अंदर आप 5500 यूरो की शॉपिंग कर सकते हैं। तो अब चलिए इसे कैसे बाय करना है तो इसके बारे में आपको यहां पर जानकारी देते हैं। तो सिंपली यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है अपग्रेड का, तो आपको यहां पर करना है अपग्रेड पर क्लिक, और जैसे ही आप यहां पर अपग्रेड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहां पर सिंपली नीचे की ओर क्लिक करना है और यहां पर पेमेंट मेथड के कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको पहला ऑप्शन टेटर यूएसटी TRC20 रेड वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहां पर एक टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन दिया गया है बाय चेकिंग द बॉक्स, आपको इस पर क्लिक करना है और फिर आपको यहां पर करना है परचेस, और साथ ही जैसे ही आप यहां पर परचेस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर नीचे की ओर आपको एक QR कोड आपको मिलेगा, और साथ ही यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एक QR कोड है, तो आप यहां पर कई जगह से आप यहां पर USDT पे कर सकते हैं, जो लोग यहां पर ट्रॉन प्रो लिंक वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आप पे कर सकते हैं, अन्यथा आप यहां पर जो आप एक्सचेंज इस्तेमाल करते हैं बाइनेंस एक्सचेंज या कोई भी आप एक्सचेंज, तो उस एक्सचेंज को आपको इस्तेमाल करने के बाद आपको वहां से इसमें USDT पे करना है। आपको यहां पर नीचे आप एक एड्रेस देख पा रहे होंगे, आपको इस एड्रेस को कॉपी करना है, यहां पर दिखाया गया कि 119.9 USDT यहां पर चाहिए, तो आपको अपने एक्सचेंज से जो उसकी विड्रॉल करने की जो फीस है या आप किसी वॉलेट से विड्रॉल कर रहे हैं तो उसकी विड्रॉल करने की फीस क्या है वो उसमें प्लस करके आपको ऐड करके वहां से आपको भेजना है, क्योंकि मुझे पता नहीं इस्तेमाल करते हैं आप क्रिप्टो मार्केट में और भी बहुत सारे लंबे समय से होंगे, बहुत सारे वॉलेट बहुत सारे एक्सचेंज आप इस्तेमाल करते होंगे, अगर नहीं भी करते हैं तो आपको कोई ना कोई एक एक्सचेंज इस्तेमाल करना है। जिस व्यक्ति ने आपको इस सिस्टम की जानकारी दी है आपको उस व्यक्ति के साथ रहना है और आपको उस व्यक्ति से एक्सचेंज की KYC आपको करनी है। तो साथ ही यहां पर आपको उस एक्सचेंज से इस एड्रेस पर आपको USDT पे करना है, और जैसे ही आप यहाँ पर आप USDT पे करते हैं तो आपका साथी यहाँ पर एक पैकेज यानी कि आपका लाइसेंस बाय हो जाएगा, और जैसे ही आपका लाइसेंस बाय हो जाएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा गो टू अल्टीमा कैशबैक डैशबोर्ड, तो आपको उस डैशबोर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो सिंपली आप इस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे।
आपकी यहाँ पर कैशबैक बैलेंस, यहाँ पर आपके शॉपिंग पॉइंट और यहाँ पर आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ साथियों आपकी शॉपिंग लिमिट होगी। तो अब साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैसे ही आप ये लाइसेंस बाय कर लेंगे तो यहाँ पर शॉपिंग पॉइंट बाय करने का एक यूनिट मिल जाएगा। जैसे कि अभी हम फार्म बाय करते थे तो हमें कॉइन लोड करने का यूनिट तब मिलता था जब हम फार्म को बाय कर लेते थे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जब हम लाइसेंस बाय करेंगे उसके बाद में हमें यहाँ पर शॉपिंग पॉइंट पर जाने का ऑप्शन मिलेगा। तो अब साथियों आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन होगा कि आप 5500 यूरो तक का आप एक बार में ही आप शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए यहां पर बहुत छोटे छोटे शॉपिंग पॉइंट बाय करने का लिमिट होगा मात्र 10 यूरो से, और 1 यूरो बराबर 1 शॉपिंग पॉइंट, 1 शॉपिंग पॉइंट बराबर 1 यूरो। लेकिन साथ ही यहां पर आप 10 यूरो का भी शॉपिंग पॉइंट खरीदते हैं तो सिस्टम आपको 20% प्लस करके आपको यहां पर रिटर्न देता है। क्या करता है, 20% आपको प्लस करके आपको शॉपिंग पॉइंट देगा। यानी कि अगर आपने यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर अभी हम अगर शॉपिंग पॉइंट की बात करें तो अभी शॉपिंग पॉइंट क्या है, कैसे दिखेगा, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसके बारे में बताने की आपको कोशिश करता हूँ कि जो हमारे शॉपिंग पॉइंट है, तो शॉपिंग पॉइंट 20% आपको कैसे मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप अगर 10 यूरो का भी शॉपिंग पॉइंट बाय करते हैं तो आपको 12 शॉपिंग पॉइंट मिलते हैं, 20 यूरो पर 24 शॉपिंग पॉइंट, 50 यूरो पर 60 शॉपिंग पॉइंट और 100 यूरो पर 120, 200 यूरो पर 240, 500 यूरो पर 600, 1000 यूरो पर 1200। इस प्रकार से साथियों आप 5500 यूरो के अंदर आप कोई भी यूनिट को आप ले जाएंगे, बाय करेंगे। अब यूनिट बाय करने के लिए आपको क्या पे करना होगा, आपको अल्टीमा, यानी कि आपने एग्जांपल करी कि आपको 100 यूरो का शॉपिंग पॉइंट लेना है तो आपको यहाँ पर 100 यूरो पर आपको टच करना है। जैसे आप उस पर टच करेंगे तो वो आपको ले जाएगा, आपको यानी कि एक एड्रेस देगा अल्टीमा का, यानी कि शॉपिंग पॉइंट बाय करने के लिए आपको क्या देना होगा, आपको देना होगा अल्टीमा टोकन। अब अल्टीमा टोकन आपको कहाँ से देना होगा, तो अभी हम अल्टीमा टोकन के यहाँ चलते हैं। तो साथियों अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अल्टीमा टोकन के लिए सिंपली आपको यहाँ पर अपने CoinSwift एक्सचेंज पर जाना है। CoinSwift एक्सचेंज अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये हमारा CoinSwift एप्लीकेशन है, और यहाँ से यानी कि हम सिस्टम को देंगे अल्टीमा टोकन, जिसमें से सिस्टम हमें दो प्रकार से हमें प्रॉफिट देगा। अभी दो प्रकार से कैसे होगा आपको यहाँ पर मैं अभी आगे बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर साथियों अभी हम बात करेंगे तो अभी हमें यहाँ पर लिखना है अल्टीमा, ULTIMA, हमने यहाँ पर लिखा अल्टीमा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अल्टीमा टोकन का जो वैल्यू है वो साथियों अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर $10,438 इसका बाय पे इसका प्राइस है, और आपको यहाँ से यानी कि 100 यूरो के लिए कितना अल्टीमा लगेगा वो वहां पे आपको दिखाएगा। मान लीजिए आपको 100 यूरो के लिए 0.011 अल्टीमा टोकन लगता है, 0.011, तो आपको यहाँ पर मान लीजिए 0.0 आपको यहाँ पर 11 आपको यहाँ पर पे करना है, तो मान लीजिए आपको यहाँ पर $115 आपको यहाँ पर लगते हैं, तो $115 की जगह थोड़ा सा $1-2 आप एक्स्ट्रा लेके आए और यहाँ पर आप अल्टीमा टोकन बाय करें। फिर आपको उसके लिए विड्रॉल करना है तो सिंपली यहीं पर आपके मोबाइल में 3 लाइन का ऑप्शन होगा, और अगर आप डेस्कटॉप में ओपन किए हैं तो आपको वॉलेट का ऑप्शन यहीं मिल जाएगा। वॉलेट में आपको क्लिक करना है बैलेंस पर, तो आपके सामने 3 ऑप्शन ओपन होंगे, वॉलेट, डिपॉजिट और विड्रॉल। वॉलेट का मतलब होता है कि आपका जितना एसेट है पूरा इकट्ठा दिखाई देगा, आपके पास में जितनी सारी करेंसियां हैं, ये भी मेरा एक डेमो अकाउंट है। और यहाँ पर आपको डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब आपको कोई भी करेंसी अदर एक्सचेंज से यहाँ पे लाना है तो आप यहाँ पर अपनी पसंदीदा करेंसी का आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। वॉलेट मतलब सॉरी विड्रॉल का ऑप्शन, विड्रॉल का मतलब है आपको यहाँ से कहीं दूसरी जगह आपको कोई भी करेंसी, कोई भी कॉइन, कोई भी टोकन को आपको विड्रॉल करना है तो आपको विड्रॉल पर क्लिक करना है। अभी साथियों जैसे ही हमने यहाँ पर विड्रॉल पर किया क्लिक, तो अब विड्रॉल पर क्लिक करने के बाद यहाँ BTC की जगह हमें अपनी पसंदीदा करेंसी को सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्टीमा, और जैसे हम यहाँ पर अल्टीमा लिखेंगे तो यहाँ पे अल्टीमा आ जाएगा और हम उस पर क्लिक करेंगे। अब जो एड्रेस हमें यहाँ से दिया गया है तो साथियों अब वो एड्रेस हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, और यहाँ पर जितना अल्टीमा वहां पर दिखाया गया है उसमें 0.0025 विड्रॉल की फीस मत भूलिएगा साथियों, यहाँ पर आपको जितना वहां पर चाहिए है उसमें आपको 0.0025 आपको, मान लीजिए आपको 0.0011 चाहिए तो आपको यहाँ पर 0.0125 आपको प्लस करना होगा, तभी जाके आपको यहाँ पर 0.011 रिसीव होगा। तो आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान देना है, अगर आप ये गलती करते हैं तो हो सकता है आपका शॉपिंग पॉइंट बाय ना हो तो आपको वहां पर समस्या जा सकती है। तो छोटे छोटे पॉइंट आपको यहाँ पर सीखना है। अब आपने यहाँ पर मान लीजिए इतना अल्टीमा टोकन आपने दिया तो अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट किस प्रकार से देगा, तो अभी मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेटर पे भी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि अब रिटर्न कैसे देगा। मान लीजिए आपको सारी चीजें आपने कर ली
तो अब आपको यहाँ पर रिटर्न किस प्रकार से मिलेगा। साथियों आपने एक चीज पे किया सिस्टम को, वो किया अल्टीमा टोकन, आपने 100 यूरो का अल्टीमा टोकन बाय किया और सिस्टम को आपने भेजा। अब उसके बाद में सिस्टम आपके दो आपके यानी कि आपके लिए स्टेटमेंट बनाएगा और वो स्टेटमेंट किस प्रकार से बनाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो यहाँ पर हमारा 100 यूरो का रहेगा तो अब 100 यूरो का किस प्रकार से होगा। तो अभी यहाँ पर अगर हमने 100 यूरो पे किया तो सिस्टम इसमें आपके लिए 20% आपको यहाँ पर प्लस कर देगा। तो 20% जैसे आपके लिए प्लस करेगा तो कितना बना देगा आपके लिए 120 यूरो, मतलब कि आपको 20% डिस्काउंट। आपने सिस्टम को दिया अल्टीमा टोकन तो यह पहली एक ऐसे यानी कि पहली बार ऐसा हो रहा है प्लेटिन वर्ल्ड के अंदर कि सिस्टम आपसे ले रहा अल्टीमा टोकन और रिटर्न में आपको दे रहा है यूरो डॉलर आपको शॉपिंग करने के लिए, आपको बहुत सारी चीजें। तो अब साथियों आपको यहाँ पर 120 यानी कि 20% आपको फॉरेन प्लस मिल गया। अब साथियों इसको डिवाइडेड करेगा सिस्टम आपके लिए यानी कि 12 महीने में, तो आपको यहाँ पर हर महीने आपको वाउचर मिलेगा, वाउचर कोड 10 यूरो का, 10 यूरो का वाउचर कोड उठा के आप बाइनेंस पर ले जाएंगे और जैसे ही आप बाइनेंस पर ले जाएंगे तो वहां पर आपका 10 यूरो यानी कि यूरो आपका बाइनेंस में या फिर कॉइन स्वीट में या फिर और भी जो हमारे बहुत सारे ऑप्शन अभी ओपन होने वाले हैं, अमेजोन पे भी आप शॉपिंग डायरेक्टली कर सकते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन अभी ओपन होने वाले हैं, वो समय के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप साथ ही 10 यूरो करके आपको 12 महीने तक आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे तो आपको यानी कि यहाँ पे 120 यूरो आपको मिल जाएगा प्लस आपको इसी में यानी कि पहले ही दिन से पहले महीने का यहाँ पे फॉरन मिल जाता है। अब एग्जाम्पल करिए कि आपने शॉपिंग पॉइंट बाय करने के लिए 0.0011 आपने अल्टीमा टोकन दिया, तो अब आप यानी कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा लेके चलूंगा क्योंकि यहाँ पे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 0.11 आपने यहाँ पे अल्टीमा टोकन दिया तो सिस्टम इसके लिए आपके लिए 36 टुकड़े करेगी और आपको यानी कि उसका जो हिस्सा बनेगा तो 36 टुकड़े करके आपको यहाँ पर आपको रिटर्न में अल्टीमा टोकन देगी जो आपको पहले ही दिन से मिलेगा। अभी साथ ही आप लगातार 36 महीने तक मिलने वाला है, इसमें जो भी इसका जो प्राइस है अगर इसका प्राइस $10,000 तक $11,000 तक रहेगा तो आपको टोटल आपको लगातार उसी रिदम में मिलेगा। अगर साथ ही इसका यानी कि अगर रेट बढ़ता है तो कुछ टर्म एंड कंडीशन, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटर होंगे जो आपको आने वाले समय में जो आपको बताए जाएंगे। तो यहाँ पर साथ ही कब तक मिलना है, ये आपको 36 महीने तक मिलना है। आप साथ ही 36 महीने में आपने जितना अल्टीमा टोकन पे किया शॉपिंग पॉइंट बाय करने के लिए उतना आपको यहाँ पर अल्टीमा टोकन भी आपको वापस मिल जाता है। यानी कि 100% कैशबैक ऐसे हुआ कि आपने यहाँ पर कॉइन दिया तो कॉइन का कॉइन भी मिल गया प्लस 20% प्लस करके आपको यहाँ पर यूरो भी मिल गया, मतलब आपने पे किया एक जगह और आपको रिटर्न आ रहे हैं दो जगह से। आप साथ ही यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आप किराने का दुकान का सामान, पेट्रोल डीजल या बहुत सारी चीजें आप ले सकते हैं। तो अब मैंने आपको जो बताया था कि जो यहाँ पर जो 10 यूरो करके आप जितना आप जो अपने पॉकेट साइज के अनुसार जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, साथ ही इन्वेस्टमेंट करना आपकी अपनी मर्जी होगी। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ सिस्टम की जानकारी दे रहा हूँ, आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ से रिटर्न लेना है, मुझे यहाँ से अगर सारी चीजें वापस लेनी है, फिर मैंने जो शॉपिंग किया है मुझे शॉपिंग का पूरा रिटर्न मुझे लेना है, प्रोडक्ट भी मिल जाए और पैसा भी मिल जाए, तो साथियों आपको यहाँ पर यानी कि आपने अल्टीमा टोकन भी मिलना है प्लस यूरो भी आपको मिलना है। अब मान लीजिए यहाँ पर अल्टीमा टोकन की वैल्यू अगर डाउन भी हो जाती है तो कस्टमर का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जो बोलते थे कि यहाँ पर अगर इसका वैल्यू डाउन हो गया तो कस्टमर, अब साथ ही यहाँ पर अगर वैल्यू डाउन भी होती है तो भी आपको एक साइड से यूरो जो मिल चुके हैं 20% प्लस करके। अगर साथ ही हम एक रेशियो लें कि जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं कई सारे एक्सचेंज पे जाके ट्रेडिंग करने के लिए, और साथ ही जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग में क्या होता है, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमाते हैं, बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। साथ ही अगर वो एक वर्ष का अगर रेशियो उठा के देखें तो लगभग 20% ही वो अपने एसेट को डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट आता है नुकसान भी होता है। तो इस प्रकार से उनका अगर हम एक रेशियो उठा के देखें तो 20% वो वहां पर सिर्फ वहां पर प्रॉफिट बचा पाते हैं, अपने बुक कर पाते हैं। तो साथ ही यहाँ पर बिना ट्रेडिंग करे आपको सिस्टम 20% आपको प्रॉफिट दे रहा है तो, और 100% डिस्काउंट दे रहा है। अब जो आपको यूरो मिल रहे हैं उन्हें आप एक्सचेंज पे जाके आप रियल मनी में एक्सचेंज करें और जो पैसा आपको मिल रहा है उसे अपने अकाउंट में ले और आप अपने प्रोडक्ट खरीदें। तो आपने एक सिस्टम बना लिया, मतलब पहले आप सीधा शॉपिंग करते थे, मतलब शॉपिंग करने दुकान पे चले जाते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पे एक सिस्टम के थ्रू आपको उसी दुकान पे जाना है, आपको सामान उसी दुकान से लेना है, उसी आपको अपने जहां से आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको वहीं से लेना है लेकिन एक सिस्टम के थ्रू, तो आपको वो चीज वहां पर 100% कैश बैक के थ्रू भी मिल जाएगी।
तो साथियों आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये जानकारी समझ में आई होगी। अभी हमें यहां पर आप पूरा हिस्ट्री आपके यहां पर डैशबोर्ड पर दिखाई देगा, तो आपका हम एक बार डैशबोर्ड पे भी आपको दिखाते हैं। यहां पर साथियों आपका वही डैशबोर्ड है जो पूरा हिस्ट्री आपको यहीं पर ऊपर की ओर दिखाएगा। आप जैसे यहां पर बाय करेंगे तो कैशबैक हिस्ट्री में आपको यहां पर दिखाएगा। और साथ ही यहां पर अभी हम यहाँ पर बात करें तो हमारा मार्केट प्लेस है और यहीं पर जाके आपको सारे बाउचर मिलने वाले हैं। यहाँ पर साथियों अगर हम बाउचर की बात करें, कार्ड की बात करें, तो बहुत सारे बाउचर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आप इन बाउचर्स का आप यहाँ पर आके बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइनेंस का बाउचर है जो 100 यूरो का है, और साथ ही यहाँ पर 100 यूरो का बाउचर आपको यहाँ पर 120 यूरो पे मिलता है, और 120 यूरो के लिए सिस्टम आपको 20% प्लस करके दे देता है, तो आपको यहाँ पर ये वाउचर मिल जाता है। यहाँ पर साथ ही और भी अल्टीमा मेंबर के वाउचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे वाउचर हैं जिन्हें आप बाय कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है तो और भी बड़े बड़े वाउचर्स भी हैं, लेकिन आपको मिनिमम के साथ इसको सीखना है। जब इस प्रोसेस को सीख जाए तो अपने सेल्फ डिसीजन पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पे। तो थैंक यू साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको जानकारी समझ में आई है तो आपको इसको कैसे करना है उस प्रोसेस को सीखिए। तो थैंक यू सो मच मिस्टर राज सर, आपने मुझे इस मीटिंग में बोलने का मौका दिया और जो मैं समझ पाया वो मैंने यहाँ पर बताने का कोशिश किया। बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा, जिन्हें नहीं समझ में आया तो साथियों वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो वेलकम मिस्टर राज सर, आप आए और इस मीटिंग को और आगे कंटिन्यू करें। वेलकम सर। थैंक यू सो मच योगेश जी, आपकी जो एजुकेशन है वो कम्युनिटी के बहुत काम आती है, जो आप समझाते हैं सिखाते हैं। और हम जिस एरा पे काम करने जा रहे हैं, अब हम जिस प्लेटफॉर्म पर काम करने जा रहे हैं दोस्तों, उसको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लाइन सभी को पता है कि सीख कर जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी चलाना इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो दोस्तों अब हम कैशबैक प्रोग्राम के ऊपर वर्क करने जा रहे हैं। जो भी पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके बड़े टारगेट्स हैं, जिनके जो बड़े अचीवमेंट्स लेना चाहते हैं, उनको ये सब सीखना बहुत जरूरी है। और सीखते सीखते हम लोग तो आगे बढ़ ही सकते हैं और बहुत सारे लोगों को हेल्प भी कर सकते हैं कि वो भी आगे बढ़े। तो थैंक यू सो मच पूरी कम्युनिटी की तरफ से योगेश जी, और आप हमेशा आते रहें और समझाते रहें कि आगे कैसे काम करना है। आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत ठीक होती है। और दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और हम उन लीडर्स से बात करने जा रहे हैं दोस्तों, रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड, कैशबैक प्रोग्राम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जिनको सक्सेस मिल रही है, जो मार्केट में जाके प्लान को बता रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि वो कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं और उनको रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, उनकी कैलकुलेशंस क्या रहती है, वो क्या बातचीत करते हैं। और इस सिलसिले में हम 4-5 यहाँ पर लीडर्स को लेंगे जिनके पिक्स ग्रुप्स में आती रहती हैं और उन आगे प्लान देते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा हम सभी के पैशनेट लीडर, जिनकी एज बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन उनका जज्बा बड़ा जबरदस्त है। हिमांशु जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ। ओके, आप कोहोस्ट हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और आप बताएं, कम्युनिटी को बताएं कि आप किस तरह से वर्क करते हैं कि आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मिस्टर हिमांशु। और मेरी रिक्वेस्ट है अगर कोई पर्सन वीडियो पर आ सके तो बहुत अच्छा रहेगा। गुड मॉर्निंग सर, सबसे पहले शुक्रिया आपने मुझे इन्वाइट करा इस जूम मीटिंग में बोलने के लिए, और सभी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। मैं हिमांशु मुजफ्फरनगर यूपी से, और अगर मैं इसके पोटेंशियल की बात करूं प्लेटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम की, आज जो हमारा पोटेंशियल है वो इतना जबरदस्त हो गया है कि क्रिप्टो मार्केट से लेकर के हम अपने सिस्टम को रियल मार्केट के अंदर भी अब लेके जा चुके हैं, और उसका इतना बड़ा रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। और मे बी जो लोग एक्टिवली वर्किंग कर रहे हैं वो आज इसकी पावर को, पोटेंशियल को समझ रहे हैं। अगर मैं कल की ही बात करूं तो मैं सुबह फील्ड के अंदर निकला अपने लोगों को और अपने अपलाइन के साथ निकला, और जो मेरे लोग जानने वाले थे, जिनको मैंने क्रिप्टो के बारे में अब से 6 महीने पहले बताया था, तो उनको हो सकता है उस समय चैलेंज रहा होगा, लेकिन जब उनको मैंने ये कैशबैक वाला समझाया तो इतना जबरदस्त पोटेंशियल आया कि उन्होंने हाँ करा और वर्किंग करने के लिए भी तैयार हुए। और अगर मैं कल के दिनचर्या की बात करूं तो मैं कल रात 3 बजे घर आया हूं, इतना हमने कल फील्ड वर्क कराया और इतना हम लोगों से वहां मिले हैं। और इसके बाद अभी जो योगेश जी ने बताया है वो सुबह के समय काबिले तारीफ है, क्योंकि ये चीज डेली करना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, और इस चीजों को वही समझ सकता है जो ये चीज डेली
हर वक्त हर समय तैयार होता है और यही एक लीडर की पहचान होती है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं वे एक्टिवली वर्किंग करते रहे सिस्टम के अंदर, क्योंकि जो अब हमारे पास सिस्टम है वो इतना जबरदस्त पोटेंशियल के साथ आया है कि हर एक व्यक्ति की जरूरत है और हर एक व्यक्ति इसको आसानी से बाय कर रहा है और इसका अच्छे से लाभ ले रहा है। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। ब्रेट इन वर्ल्ड द टाइम इज सुपर। थैंक यू सो मच हिमांशु जी। अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं बहुत ही पैशनेट लीडर जो फील्ड में हमेशा रहते हैं, मिस्टर सतीश कुमार ब्लू डायमंड। दोस्तों एक्सपीरियंस बड़ा जबरदस्त है, हमेशा पैशनेट रहते हैं, जोश जज्बे एनर्जी से भरे रहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लीडर से जो भी आए वो ये जरूर बताएं कि वो कम बात कैसे करते हैं, कैसे स्टार्टिंग कैसे करते हैं, ताकि कम्युनिटी को पता चले कि कैशबैक प्रोग्राम के बारे में अगर वो किसी को बता रहे हैं तो बातचीत क्या करते हैं। तो वेलकम सर, स्टेज जी आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड की है। थैंक यू राज भाई, सभी दोस्तों को प्रणाम नमस्कार सत श्री अकाल, और अपने छोटे से टीचर को भी मेरा प्यार भरा प्रणाम योगेश जी को। कुशवाहा जी मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा, आपसे निवेदन ही कर सकता हूं क्योंकि आप हमारे सुबह के टीचर हैं, भाई एक रिडीम करना भी जरूर बताएं क्योंकि मैं रिडीम में बड़ा फंसा था, तो उसको वाउचर को रिडीम कैसे करते हैं प्लीज एक सेशन ये भी हमारे लिए करना ताकि हम उसको सुबह देख सकें। दोस्तों राज भाई वैसे ही मेरा एक पिती चपका दी इन्होंने जो मुझे बड़ी अजीब सी महसूस होती है और बड़ा गौरव महसूस होता है कि मुझे इतना मान सम्मान ये भाई देते हैं हमें। दोस्तों 7 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल से पॉजिटिव हूँ और आज भी पॉजिटिव हूँ। सर राज भाई ने मेरे लिए एक क्वेश्चन छोड़ा भी, आप फील्ड में काम कैसे करते हैं। सबसे पहले जब आप किसी कंपनी में 7 साल से काम कर रहे हो तो सबसे पहला एक्सपीरियंस यही होता है, सर मैं पिछले 7 साल से इस प्लेटफॉर्म पे स्टेबल खड़ा हूँ, इसमें 15,000 कंपनी आई और 15,000 चली गई, कुछ आई कुछ गई, कुछ लेके गई कुछ देके, लेकिन सर हमारे उतार चढ़ाव आए लेकिन हम यही स्टेबल है। दूसरी बात, आज कंपनी ने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया वर्ल्ड के अंदर, आप शायद सोच भी नहीं सकते कि इसके अंदर कितने बड़े बड़े प्रोग्राम आ चुके हैं। जो सबसे जबरदस्त प्रोग्राम है वो डेबिट कार्ड का और कैशबैक प्रोग्राम। सर कैशबैक, जब मैं कैशबैक पे जोर देता हूं ना सर, कैशबैक कहते हैं सर कैशबैक क्या है, मान लो आपने 100 रुपए दिए सर, 100 रुपए देने के बाद आपको कैशबैक में 120 रुपए मिल गए, क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा सर? कहना बिल्कुल अच्छा लगेगा। और सर 120 तो मिले साथ में आपको 100 यूरो का आपको एक गिफ्ट भी मिला, वो गिफ्ट क्या है? वो 100 यूरो का आपका गिफ्ट 1,000 यूरो का भी हो सकता है, वो 10,000, वो गिफ्ट क्या है सर? नेचुरल बात है, गिफ्ट के ऊपर गिफ्ट क्या है? वो गिफ्ट है अल्टीमा टोकन, जिसकी वैल्यू आप मार्केट में खोल के देते हो सर, क्वाइन बिट खोल लो 10,500 का रेट है, 10,800 का रेट है, सर ये क्वाइन हमें मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है, ये आपका है, इसमें से हर महीने 3% आपको मिलेगा सर, हर महीने 3% अगले 3 साल तक, और जो पैसा है आपने 1,000 दिया वो आपको 1,200 के 1 साल में मिल जाएगा। यानी कि फिर मैं किस वे पे आता हूं सर, आपने अपने बच्चे की फीस जमा करानी, एडवांस में स्कूल में फीस देते हो आप, आपका स्कूल कितनी फीस छोड़ता है? कहता अगर मैं एडवांस में देता हूं तो 1 महीने की, सर हम 3 महीने की फीस छुड़वा सकते हैं आपकी अगर आप यहां इन्वेस्ट करते हो। वो कैसे? आप देख लो सर, 20% तो आपको एक्स्ट्रा मिल गया, 3% मंथली ये मिल रहा है, ये भी इतना बन जाएगा, 1% और जुड़ गया तो आपकी 3 फीस होगी कि नहीं होगी? कहता होगी। फिर इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई मिल सकता है क्या? रही गारंटी और वारंटी, क्यों फिर पूछा इसकी गारंटी क्या है? सर गारंटी मैं हूं, 7 साल से खड़ा हूं इस मार्केट के अंदर, और कंपनी का जो विजन है अगले 15 से 20 साल का है। ये कंपनी कोई ऐसी कंपनी नहीं आई जो स्कैम करके थोड़े दिन पैसा कमाना होता तो पिछले साल चली जाती, उससे पिछले साल PLC आता तब चली जाती, लेकिन गई नहीं सर। आज भी कंपनी के जो CEO हैं आज भी फ्रंट में बैठकर एक ही बात करते हैं, आई नेवर गिव अप दिस कंपनी। सर जिस आदमी की सोच इतनी बड़ी हो, जिसका विजन इतना बड़ा हो, उसके साथ काम करने में कोई हर्ज नहीं है सर, क्योंकि लोग जुबान से ही तसल्ली दे सकते हैं सर, मर के तसल्ली देते, जो मरी गया वो तसल्ली क्या देगा। यही मेरा बिजनेस है, यही इसी वजह से मैं चलता हूँ सर, क्योंकि लोगों से जब तक हम ये खुद ना कहलवाएं हाँ ये चीज अच्छी है,
तब तक वो मेरे प्रोडक्ट को समझ ही नहीं पाएगा, मैं जितना मर्जी रटता हूँ। और तीसरी बात पेशेंस, वो जितना बोलता है उसको बोलने दो, सुनो बैठ के वो क्या बोल रहा है। जब तक सुनोगे, एक नेटवर्कर की, एक एमएलएम लीडर की सबसे बड़ी खासियत होनी चाहिए सुनना। सुनोगे, उसकी बाल्टी खाली करोगे, तभी उस बाल्टी में अपना पानी डाल सकते हो सर, उस गलास को भर सकते हो, वरना आप खाली हाथ गए थे, खाली हाथ आओगे। आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले आज मेरी जो ज्वाइनिंग उठ रही है सर, राज सर मैं एक चीज बता देता हूँ, आज मेरी जो ज्वाइनिंग है जिनको मैं 3 साल से गाइड करता रहा था, वो ज्वाइनिंग अब उठनी शुरू, एक लीटर में दिल्ली में था और बारिश झमाझम, घर से चला मैं 8:30 बजे और बारिश के अंदर भी मैं उस लीडर से मिल के आया, कहता सर आज भी आप यही कर रहे हो, मैं कहा सर मैं आज भी और अगले 2 साल भी यही करता मिलूंगा सर, दूसरा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो घोड़े कितना है, घोड़ा जब तांगे में जुड़ता तो कानों पे ये बांध दिया जाता है भाई उसको सामने देखना है, सामने क्या है, अल्टीमा और अपना लक्ष्य है, और उसी पे दौड़ते रहना सर, मंजिल जरूर मिलेगी सर, चाहे धीरे मिले चाहे रफ्तार से मिले, आप पहुंचोगे, लक्ष्य आपके सामने है, काम कीजिए, दिल से कीजिए, सबसे बड़ी बात है सुबह उठ के पॉजिटिव हो जाइए और कहिए ये एक दिन मेरा कुछ नया करने का है, मैं इसमें आज कुछ नया करके आऊंगा, चाहे एक प्लान दिखाऊं चाहे दो प्लान दिखाऊं, क्योंकि कल का मुझे पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आज मेरे पास है, मैं इसको कल कैश जरूर करूंगा, यही मेरा विजन है, यही मेरा लक्ष्य है और यही आप सबके लिए दोस्तों। बाकी करना आपने है, चलना आपने है, पहुंचना आपने है, मंजिल आपकी है, लक्ष्य आपका है, जुनून भी आपका ही होना चाहिए सर, दूसरा कोई ले। थैंक यू सर, थैंक यू राज सर, थैंक यू सो मच सर। जो पर्सन फील्ड में काम करते हैं उनका मोटिवेशन अलग होता है, उनका कॉन्फिडेंस अलग होता है और ये कॉन्फिडेंस सामने झलकता है हमेशा। तो दोस्तों अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अब हम सिर्फ 3 लीडर्स से बात करेंगे और मिस्टर अजीम राणा सर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड की है, आप फील्ड में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अपनी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है और आपका एक्सपीरियंस हमेशा से ही कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल रहा है, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। सर गुड मॉर्निंग और सभी कम्युनिटी को मेरा आदाब, मैं वीडियो अभी आज ऑन नहीं कर सकता क्योंकि मैं थोड़ा सा फील्ड में था और क्योंकि थोड़ा सा फिटनेस को लेकर दिक्कत हो रही थी तो मैं अभी वहां से पहुंच नहीं पाया हूं घर तक, तो मैं अभी बैठा हूं कहीं, तो इसके लिए तो मैं माफी चाहूंगा सभी लोगों से। और बड़ा अच्छा नहीं लगता जब वीडियो पर हम लोग नहीं आते ना, जब लोग हम वीडियो पर नहीं आते अच्छा नहीं लगता, मतलब लगता ही नहीं कि मैं बोल रहा हूं कहीं, तो उसके लिए मैं अभी घर नहीं पहुंचा हूं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं यहां सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, आज 268 लोग यहां मौजूद हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं। तो सर अभी कैशबैक को लेके कल प्रॉपर एक वीडियो आ चुका है, मतलब कल जो डैन टीम ने प्रेजेंटेशन दी और वो हम लोगों के पास पहुंच गई, मुझे इसका बड़ा बेसब्री से इंतजार था, मेरी पूरी टीम को इंतजार था इस चीज का। हालांकि हम लोग इसके बिना भी कैशबैक को पेपर पे, क्योंकि इतना तो समझ था हम दे रहे थे, लेकिन आज इतिहास बदलने के लिए, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अब दोनों हमारे हाथ में है कि हमें अपने परिवार का इतिहास बदलना या खाली जरूरतें पूरी करनी है। और जरूरतें तो मेरे पिछले प्लेटफॉर्म से या मेरे पिछले कामों से पूरी हो रही है, नहीं तो मैं घर पे हॉस्पिटल से भी अपनी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ शायद, जो मेरा अर्निंग का एक सोर्स है। लेकिन मुझे अब अपनी जरूरतों के साथ साथ अपनी चाहतों को भी पूरा करने का अगर मौका मिलता है तो यहाँ से मिलता है। और मैंने एक चीज नोट की है यहाँ पर कि हम जब जब चले हैं परेशानियां जरूर आई है। मैंने रात ग्रुप में मैसेज डाला, मैंने वो कॉपी और पेस्ट किया था, मैंने कठिनाइयां आई हैं वहां पर सारी चीजें नोट की हैं मैंने कि इनमें कौन कौन आदमी साथ रहा था, कौन कौन साथ नहीं रहा, तो किन लोगों को मैंने देखा। अब वो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। मैंने सर कल लगभग 13 लोगों की काउंसलिंग की है फील्ड में जाके, और उन काउंसलिंग में से पुरानी 2 लोगों से मैं ज्वाइनिंग लेकर आया हूँ जिनको मैं आज यहाँ ऐड करने वाला हूँ। तो लोग परेशान इसलिए नहीं है कि उनका पैसा लगा, लोग परेशान इसलिए कि उनको एजुकेशन नहीं है सर, उन्हें ये नहीं पता कि मेरा पैसा कैसे रिकवर होगा, उनको ये नहीं पता कि मेरे साथ जो समस्या वो है क्या। तो सर मैंने जाने के बाद सिर्फ एक ही उनको एश्योरेंस दिलाया कि वेट करो, अगले 3 से 6 महीने आप यहाँ वर्क करो, अगले 3 से 6 महीने में आपकी जो भी पैसे के यहाँ पर पैसा जो भी इन्वेस्ट हुआ है, जो भी आपने यहाँ लिया हुआ, वो हर हालत में आपका 100% रिकवर होने वाला है।
लेकिन कैसे रिकवर होने वाला, मैंने ये नहीं बताया कि तेरा पिछला रिकवर होगा, तेरा अगला इतना आने वाला है कि पिछला एसेट के रूप में तेरा आने वाला है, और नया जो आने वाला तेरा कैश को, जब मैंने उसको कल डायमंड की कैलकुलेशन दी तो सर दो लोगों की ज्वाइनिंग भी आई, हाथों हाथ ज्वाइनिंग आई, और पता चला कि वो लोग चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, सपने उनके भी हैं, जरूरतें उनकी भी हैं, लेकिन उनको रास्ता दिखाने वाला नहीं है। बार बार मैं राम निवास जी के मुंह से सुनता हूं कि समस्या पानी में गिरना नहीं है, समस्या तैरना नहीं आता, ये समस्या है। तो दोस्तों मेरा एक मकसद है, आप जहां पर भी जैसे भी हैं, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा सा इन्विटेशन, बहुत अच्छा सा इन्विटेशन, आप लोगों से बात करें, और जिसके जो भी अपलाइन है उनसे भी एक बार बात करें जरूर कि भाई मुझे सिखा दो, मुझे इसको सीखना है इस इंडस्ट्री को, क्योंकि सीखने वाला व्यक्ति, हर सीखने वाला व्यक्ति ना कम सीखे हुए व्यक्ति पर राज करता है, ये सच है। ऐसा बिल्कुल मतलब मैंने देखा है कि अगर आप ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं तो आपके पास लोग आते हैं, आप उनको जैसे गाइड करेंगे, आप क्रिप्टो के मास्टर है तो आप उन लोगों को जैसे गाइड करेंगे, आप स्कूल टीचर है तो जैसे आप गाइड करेंगे लोगों को, यानी कि पढ़ा लिखे आदमी की बात है। और यहाँ पर पढ़ने के लिए कुछ नहीं, मोबाइल में एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी था दोस्तों, तो वो हम लोगों ने किया है। और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग अब हम आगे लाने वाले हैं वो बहुत ही कमाल के लाने वाले हैं, बहुत ही कमाल के, और उन लोगों को कमाल का बनाने वाले हैं। सर मैं एक चीज और जानता हूँ कि मैंने पिछले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या किया था कि हम एक अनजान व्यक्ति को भी ले आते थे जो व्यक्ति बिल्कुल कुछ नहीं जानता था, लेकिन हम फोर्सफुली यहाँ ट्रेनिंग के माध्यम से उसको हीरो बना देते थे। बिल्कुल मैं भी तो ऐसी था, पहले दिन मैं डॉक्टरी में एक्सपर्ट था, मैं नेटवर्किंग में, मैं डायरेक्ट सेलिंग में एक्सपर्ट नहीं था। मेरे अपलाइन ने मुझे गाड़ी पर बैठाया, अपनी गाड़ी में बैठाया और मुझे कंटिन्यू करके दिखाया कि देखो ऐसे करना है, देखो ऐसे करना। तो उस दिन समझ में आया कि मैंने एक ज्वाइनिंग कराई, उसको गाड़ी पे बिठाया और उसको फरहान भाई को मैंने ऐसे ही तैयार किया, मैंने शौकीन भाई को ऐसे ही तैयार किया, मैंने इरकान भाई को ऐसे ही तैयार किया, मैंने अपनी टीम में ऐसे ही तैयार किया लोगों को, अपनी गाड़ी पे बिठाया और करके दिखाया। दो प्लान मैंने खुद ने किया, तीसरा प्लान उसके हाथ में मैंने सौंप दिया। तो सर ये सिर्फ सिखलाई का नतीजा है अपलाइन का। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं अपनी टीम को एक बार करके जरूर दिखाएं कि देख मैं खड़ा हो गया हूँ और मैं करके दिखा रहा हूँ। तो सर करना कुछ नहीं है, बस इम्प्लीमेंटेशन करना है और एक अच्छा सा इन्विटेशन तैयार करना है। इन्विटेशन में सबसे बड़ी बात है जो योगेश जी ने अभी बताया वो सब इन्विटेशन का ही पार्ट था, उसको एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग को सुने। हर व्यक्ति अपनी भाषा में अपने तरीके से इन्विटेशन को दे सकता है, अपनी भाषा में। बहुत से व्यक्ति की खड़ी बोली होती है, बहुत से व्यक्ति की सिंपल भाषा होती है, सरल भाषा होती है, तो वो कर सकता है। तो सर मैं इतने आज ज्यादा मैं कहूंगा कुछ नहीं, क्योंकि मैं वीडियो बनी तो अच्छा सा नहीं लग रहा, तो प्लीज आप ओवर टू यू राजसन। थैंक यू सो मच अजय लीडर। आप वीडियो पर नहीं आ सके लेकिन उसके बावजूद भी आपने अच्छा गाइड किया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी लीडर्स बहुत सारे हैं और फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सभी को सुनना बहुत नहीं हो पाता है, सुनने का बहुत मन करता है। आकाश राव जी हैं, राम निवास सर हैं, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं हम सभी के शानदार मेंटर, हम सभी के सबसे बड़े गाइड जो हमेशा सीखते रहते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अगर बैठते हैं और उनका लेवल इतना बड़ा है कि उनको मुझे डायरेक्ट बुलाना मुझे अजीब लगता है, लेकिन आज मुझे ये उन सर को इनवाइट करने का मौका मिला है। तो ललित त्यागी सर वीडियो पर आ चुके हैं, थैंक यू सो मच सर। और कल मैंने आपके एक व्हाइट बोर्ड पर जो आपने समझाया था, मेरा तबीयत खराब थी कल, लेकिन मैं काफी लेट आया था, लेकिन अपने आप को रोक नहीं सका था वहां पर भी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप एक बार फिर से उसको रिपीट कर सके तो मुझे लगता है वो कम्युनिटी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। आई रिक्वेस्ट यू सर एंड वेलकम ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद राज भाई, मेरी आवाज क्लियर है? परफेक्ट है सर। राज भाई मैं एक दूसरे नाम से, मतलब एक मैं दो नाम से हूँ, तो उसको आप जरा को होस्ट बनाओ दूसरे ललित। सर मैं होस्ट नहीं हूँ, आप हैंड रेज कर दीजिए। होस्ट सर आपको को होस्ट में ले लेंगे। जी सर ठीक है सर, मैं हूँ दोनों जगह। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राज भाई और सभी लोगों का, सतीश भाई, आप, खुशबा भाई और जितने भी हमारे बीच में लीडर्स हैं, तो मैं सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये जो आपकी पहल है ये वास्तव में हम सबके लिए, जो ये सुबह सुबह हमें क्लास मिल जाती है तो यहाँ खाली हम सीखते ही नहीं है, शाम तक के लिए हमें ऊर्जा भी मिलती है,
क्योंकि आपको पता है जब हम फील्ड में जाते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के लोग मिलते हैं, और ये खाली प्लेटिन वर्ल्ड के साथ ही नहीं है, आप दुनिया के किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके मार्केट में जाओगे तो वहां पे आपको दोनों ही तरह के लोग मिलेंगे, जो आपके साथ अच्छी बातें भी करेंगे, जो आपके साथ नेगेटिव बातें भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहां पे एक हमारे अंदर जो मैं कहूंगा एक थोड़ी धूल आती है, तो वो सारी धूल की सफाई यहाँ पे हमारी इन मीटिंग्स के जरिए हो जाती है। तो अक्सर अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग की, अपनी कंपनी के इस जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसका वर्किंग पोटेंशियल क्या है। तो थोड़ा सा मैं वर्किंग पोटेंशियल पे ही आज मैं जाऊंगा, और मैं आप सब लोगों के सामने कैलकुलेशन रखूंगा कि अगर हम यहाँ वर्किंग करते हैं तो हम कितना बड़ा यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि पिछले एक डेढ़ साल में कहीं ना कहीं जो मैंने नोट किया, और मेरी बात से सहमत होंगे सतीश भाई आप भी और सब लोग भी, कि पिछले एक डेढ़ साल में सर हम लोग वर्किंग का पोटेंशियल भूल गए थे, और जो बड़ा घातक सिद्ध हुआ हमारे लिए भी और हमारे प्लेटफॉर्म के लिए भी। हमें इजी लगा लोगों को जाके ये बताना तुम्हें करना कुछ नहीं, तुम्हें घर बैठे इतना आएगा, लेकिन मेरे भाई सच्ची बात तो ये है कि आज हमारे देश के सबसे बड़े रईस आदमी मुकेश अंबानी जी सर वो भी वर्किंग करते हैं, वो भी आज ये नहीं सोचते कि भाई आज मेरे पास तो अथाह दौलत है, अथाह मैंने बहुत सारा नाम पैसा कमा लिया तो मैं काम छोड़ दूं, नहीं सर, सर उनके सामने अगले 50 साल का 100 साल का रोडमैप तैयार है, इतनी मेहनत वो लोग करते हैं। और वो ही नहीं करते, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनकी लड़की, उनके दामाद सब लगे पड़े हैं दिन रात। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोगों को जाके ये कह दें कि आपको कुछ नहीं करना और आप घर बैठे रातों रात बहुत बड़े पैसे वाले बनेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, प्रोडक्ट यूज के लिए है, पैसा बनाने के लिए यहाँ पे वर्किंग का हमारे पास बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी है। किसी को भी प्रोडक्ट आप दिखाएं तो केवल उसका यूज बताएं कि ये प्रोडक्ट आपके इस यूज का है। अब अगर आपको यहां से पैसा चाहिए तो मैं आपको उसके लिए बहुत सारी कैलकुलेशन यहाँ पे देता हूं, तो वो कैलकुलेशन मैं भी आपके सामने शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत कुछ हमें यहां से सब कुछ सब लोगों को सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने भी आप सब लोगों से ही सीखा है। तो मेरी स्क्रीन सब लोगों को दिख पा रही है? जी सर, जी सर, और मेरी सभी पर्सन से रिक्वेस्ट है अपने पास डायरी पेन जरूर लेकर बैठे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आप सभी को। तो साथियों, जब हम किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा मेरे ख्याल से कुछ अभी रहा नहीं बताने के लिए, जैसा कि सतीश भाई ने बताया, राज भाई ने बताया कि किसी के पास भी हम जा रहे हैं तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट से ही होती है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है ये आप आज तक जो अपना शॉपिंग करते हो, घर का सामान खरीदते हो, कुछ भी करते हो, तो बाजार में जाते हो उसको खरीद के लाते हो और वहां से खरीदते हो जहां पे आपको थोड़ा बहुत छूट मिले, क्योंकि आपको बताया सर ये छूट का सिलसिला पूरी दुनिया में है, और आज हमारी कंपनी ने उसी छूट को एक मेन हथियार बनाया है। अगर हम किसी भी व्यक्ति को ये कहें कि आप जो भी सामान घर का खरीदोगे उस पर आपको 20% का डिस्काउंट और 100% तक कैशबैक भी आ सकता है, ये जरूर लगाएं आप, क्योंकि वो कैशबैक कॉइन में आएगा और कॉइन की वैल्यू अप डाउन हो सकती है। तो प्रोडक्ट जब आप बताओगे वो पूछेगा सर कौन सा सामान, उसको बोलो कोई भी सामान किसी भी दुकान से आपकी मर्जी का, तो सर यही लाइन उसके सारे क्वेश्चन खत्म कर देगी। क्योंकि आज से पहले हम जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हमने काम किया और हम किसी के घर गए तो हमारी भी मजबूरी थी अपने ही प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट को प्रमोट करना, और सामने वाले की भी मजबूरी थी हमारे ही सामान को खरीदना, लेकिन अब हमारे पास ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, सामान सामने वाला अपनी मर्जी का खरीदेगा और उसको डिस्काउंट हमारे प्लेटफॉर्म का मिलेगा। अब हमने उसको प्रोडक्ट दे दिया, उसको समझ भी आ गया, अब आप उसको बताओ कि भाई ये तो आपने प्रोडक्ट ले लिया कैसा लगा? अब जब उसको इंस्टेंट 20% डिस्काउंट और उसका कैशबैक आना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट बनेगा या नहीं बनेगा? अगली बात आप उसको बोलते हो कि अगर आप हमारे इन वाउचर्स को, हमारे इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते हो और वो भी हमारी हेल्प से, तो आप यहाँ से कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो? उसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। सपोज आज ये सतीश भाई ने मुझे ज्वाइन करा दिया और मैं यहाँ पे, मेरा नाम माली ललित है, ठीक है, तो ये ललित को ज्वाइन कराया सतीश भाई ने, और चूंकि ललित ने पहले प्रोडक्ट ले लिया तो प्रोडक्ट के ऊपर मेरा भरोसा बन गया, उसके बाद जब मैं यहाँ पे ज्वाइन करूंगा
सतीश भाई मुझे बताएंगे कि भाई आप अपने 10-20 लोगों की लिस्ट बनाओ और उन लोगों के साथ हमारा कम्युनिकेशन कराओ, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे फेसबुक के थ्रू, चाहे हमारा जूम के थ्रू। और कल को मेरे साथ यहाँ पे 2, 5, 10 लोग ज्वाइन कर लेते हैं, सबसे छोटा वाला लाइसेंस लेते हैं। सर किसी भी व्यक्ति को इससे बड़ा कुछ आपको प्रमोट करना ही नहीं। अगर मेरे साथ 10 लोग यहाँ से 110 यूरो का लाइसेंस परचेज करते हैं और उन लोगों को हम लोग ये बताते हैं कि भाई आप भी यहाँ से 20% डिस्काउंट, 100% कैशबैक लोगे और साथ में यहाँ से आप इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हो अगर अपने नियर डियर को इसकी जानकारी देते हो, तो साथियों क्या वो लोग इस काम को नहीं करेंगे? ये बहुत इजी डुप्लीकेट होने वाला प्लेटफॉर्म है हमारा, क्योंकि सुबह शाम यहाँ पे हमारा वर्किंग होती है और जब सुबह शाम हम लोग यहाँ अपने जूम के ऊपर आते हैं तो हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमें ही नहीं मिलता, हमारी टीम को भी मिलता है। तो एक कैलकुलेशन है, सपोज मेरे साथ यहाँ पे 10 लोग ज्वाइन करते हैं, लवने पर पापा बुला रहे हैं, तो साथियों अब इन 10 लोगों के साथ अगर हम लोग वर्किंग करें और मेरे साथ यहाँ पे मेरे सारे अप्लायंस, सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, सतीश भाई, राज भाई, स्वामी सर, यस सर, बहुत सारे लोग, इनका अनुभव मुझे मिलता है, तो क्या कल को अगले 6 महीने में 8 महीने में मैं यहाँ से डायमंड क्लियर नहीं करूंगा? मैं यहाँ से पक्का डायमंड क्लियर करूंगा। अगर मैं अगले 6 से 8 महीने में यहाँ से डायमंड बनता हूँ और मैं फ्रेशर व्यक्ति हूँ, तो मेरी डायमंड बनने तक की जो इनकम बनती है वो 15,000 से लेके 20,000 यूरो तक बनती है। तो 15,000 से 20,000 यूरो मैं जब डायमंड बनूंगा मुझे यहां से आएंगे। लेकिन साथियों अभी एक चीज यहाँ पे हो रही, जब ये यहाँ पे आपको पता है कि डायमंड बनने के लिए कितना टर्नओवर चाहिए, 2.5 लाख यूरो। जब 2.5 लाख यूरो का टर्नओवर आप करेंगे यहाँ पे, तो आपको पता है कि 2.5 लाख यूरो का 50 गुना आपको कैशबैक वाउचर की यहाँ पे कैपेसिटी मिलती है। और अगर हम इसका 50 गुना करें तो सर ये कितना बनता है, ये बनता है 1,25,000, यानी कि 1.25 करोड़ यूरो का हमारा यहाँ पे ये कैपेसिटी बनती है। इतने हम वाउचर इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। अब अगर आप ये वाउचर इसके ऊपर अपलोड कर देते हो और जैसे कि मैं डायमंड बनता हूं यहाँ पे, तो साथियों आपको पता है जब हम वाउचर खरीदते हैं या किसी को खरीदवाते हैं तो डायरेक्ट का 5%, उसके बाद 3, 3, 2, 2 जो कि हमारा पूल में चला जाता है, और डायमंड बनने के बाद हमें वहां से वो रिलीज होके मिलता है, जिसको लीडरशिप बोनस कहते हैं। मैं इस सारे का केवल 2% पकड़ लेता हूं, केवल 2% जो मेरा पूल में इकट्ठा हो गया, तो इसका 2% बनता है सर 2.5 लाख यूरो। तो यानी कि जब मैं डायमंड बनूंगा तो मुझे 15,000 से 20,000 यूरो एक आ गए और 2.5 लाख यूरो मुझे आए अगर मेरे सब लोगों ने अपना वहां पे वाउचर को बाय किया। तो सर ये इनकम कितनी बड़ी हो सकती है, क्या पहले डायमंड शिप में ये संभव था? नहीं। मैं कहता हूं कि सर ये लोग पूरा वाउचर नहीं भरते, 50% भरते हैं, तो भी ये हमारा 1.25 लाख यूरो बनते हैं। मैं कह रहा हूं ये उसका भी आधा भरते हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति चौथाई ही अपने वाउचर की कैपेसिटी को भरता है, तो भी सर ये यहां से 65,000 यूरो के करीब बनता है और 15,000 से 20,000 यूरो आपका। तो सर ये कैलकुलेशन कितनी हुई, 85,000 से 90,000 यूरो, यानी कि लगभग 1 लाख USDT आप डायमंड शिप पे ले सकते हो। और ये मैं आपको वर्किंग का बता रहा हूं, क्या वर्किंग के ऊपर किसी को डाउट है? मेरे ख्याल से किसी को नहीं होगा, क्योंकि वर्किंग का ना हमारा पे आउट रुकता है, ना उस पर हमें कोई डाउट है, ना किसी का आज तक रुका है। और सर दुनिया की पहली कंपनी है कि रात को 2 बजे भी अगर आपका ज्वाइनिंग लगती है तो 2 बजे ही आपका पे आउट आता है, 2 बजे ही आपकी क्लोजिंग होती है। तो अगर आप यहां से डायमंड शिप अचीव करते हो तो कितना बड़ा रेवेन्यू लेते हो? अभी मैं यहां से पूछता हूं, अभी मान लिया यही डायमंड शिप सतीश जी अचीव करते हैं, सतीश जी की रैंक क्या है यहां पे? सतीश जी की ऑलरेडी रैंक क्या है यहां पे? राज भाई, सतीश जी हमारे
फिलहाल ब्लू डायमंड पे है सर। ब्लू डायमंड है अभी सतीश जी हमारे, ब्लू डायमंड है। और अगर वो दोबारा डायमंड बनते हैं तो सर उनको 2.5 लाख यूरो जो डायमंड करने के लिए हमें टर्नओवर देना होता है उसका उनको कितना आएगा, 16% और आएगा। आएगा या नहीं आएगा क्यों राज भाई? तो अगर हम ये 16% भी लगाएं तो ये कितना बनेगा, लगभग लगभग जहां तक मैं समझता हूं करीब करीब 40,000 यूरो ये भी बन जाए। तो जो हमारी रैंक आई जेड से लेकर डायमंड तक, हमारा लेवल बोनस आया प्लस वाउचर का आया प्लस हमारा डायमंड इन्फिनिटिव आया सर, ये इनकम लगभग 1.25 से 1.5 लाख डॉलर बनती है केवल डायमंड शूट के ऊपर। और कल को अगर आपके ये आपके साथ आए 10 लोग, जब आप डायमंड बनोगे और इतनी सारी आपकी इनकम आएगी तो क्या इनके अंदर जुनून नहीं आएगा कि भाई हम भी अपनी टीम बिल्ड करें, अपने अपलाइन की तरह हम भी डायमंड बने। कल को ये 10 लोग डायमंड बनते हैं और ये यहाँ पे मैं हूं या राज भाई है या सतीश भाई है कोई भी है सर, हमारी इनकम कितनी हो सकती है सोच के देखो। आज अगर मैं अपने आप को लगाऊं, मेरी रैंक यहां से डबल पर्पल डायमंड है, डबल प्लेटिन डायमंड है, तो अगर मैं कल को 10 लोगों को डायमंड बनाता हूं तो कितनी बड़ी इनकम मेरी यहां से हो सकती है। सतीश भाई ने हैंड रेज किया, एक बार उनको अनम्यूट कर दो सर। सतीश भाई आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर ललित सर जी, आपने तो एक छोटी सी चिंगारी में एक छोटी सी हवा दे दी सर, आपने सर, क्या कैलकुलेशन बताई सर ये। सर जी आप मुझे, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आज आप डायमंड हैं, कल को आप डायमंड बनते हो, नया टर्नओवर लाते हो यहाँ पे 2.5 लाख यूरो का जी सर, पर क्या आपको ये इन्फिनिटी आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली। नए डायमंड के 15 से 20 हजार यूरो आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल श्योर आएंगे सर। सर आपकी टीम के श्योर आएंगे, आपकी टीम के अंदर एक व्यक्ति अगर 1 लाख का भी वाउचर बाय करता है और आपका जो टोटल टर्नओवर है उसके हिसाब से जितना टोटल वाउचर बाय होंगे, क्या उसका 2% आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा सर। सर ये 5 भी मिलेगा, 5 भी आएगा, 3 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 2 भी आएगा, मैंने केवल 2 पकड़ा है सर, मैं कम से कम कैलकुलेशन कर रहा हूँ सर यहाँ। बिल्कुल सर। सर ये ज्ञान आपने कहाँ छुपा रखा था सर, इतने दिन से आप कहाँ लिए बैठे थे सर, आप फील्ड में नहीं देते ज्ञान को? नहीं नहीं सर, मैं फील्ड में दे सर, अभी एक्चुअली क्या है ना, ये कैशबैक वाउचर सर कल हमारी ऑथोराइज पीपीटी आई है, तो सर ये मैंने कल से ही कैलकुलेशन फिर आप लोगों के सामने रखी है, क्योंकि सर अभी मुझे भी कहीं ना जाए सर, एलेक्स सर को मत बताना सर ये बात। उन्हें पता है सर। कुछ ना कुछ कटौती कर देंगे सर इसमें से। नहीं सर, वो कोई कटौती नहीं करेंगे सर, उनके सामने ये कैलकुलेशन ऑफिस के अंदर बैठ के सर हम लोगों ने शेयर की थी, उन्होंने हमारे साथ शेयर की, हमने भी उनके साथ शेयर की, तो सर उनकी नजरों में है और वो चाहते हैं कि ये सारा रेवेन्यू आप निकालो, वो चाहते हैं सर हम वर्किंग के पोटेंशियल को समझें। अभी मुझे आप एक चीज जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूं और आप सभी से करता हूं जी सर, एक डायमंड बनने पे हमें 1 से 1.5 करोड़ रुपए की इनकम आ रही है यहाँ पे, अब आप मुझे ये बताओ क्या ये इनकम हम किसी भी सूरत में पैसिवली इन्वेस्टमेंट करके निकाल सकते हैं क्या, मुझे ये बताओ। नहीं निकाल सकते सर, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो सर उस तरफ जाना ही क्यों सर, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की तरह यूज करो। एक मैं एग्जांपल देता हूं सर, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग की क्यूनेट, मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, और आपको बताऊं सर उसका सबसे छोटा जो पैकेज है, सबसे छोटा पैकेज 50,000 रुपए का है, जिसमें वो आपको एकमात्र एक घड़ी देते हैं सर, घड़ी। तो आप क्या समझते हो लोग वहां 50,000 रुपए लगा घड़ी लेने जाते हैं क्या? नहीं सर, वो कॉन्सेप्ट सेलिंग के लिए जाते हैं, कॉन्सेप्ट खरीदने के लिए जाते हैं, लोग वहां वर्किंग के लिए जाते हैं, और 50,000 की 5 जॉइनिंग लाने पे आपको 20,000 का चेक आता है, इतना हार्ड प्लान है, उसके बावजूद वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, क्योंकि सर उन्होंने कॉन्सेप्ट सच्चाई आ गई यहाँ पे जी, एक सच्चाई जो एलेक्स सर बोलते थे आज आपने उसको हकीकत करके दिखा दिया सर भाई, वो तो मैंने एक टिप दी थी आप लोगों को, हकीकत में पैसा तो आएगा। बिल्कुल सर, अभी सर मैंने पूरा अपनी तैयारी कर ली है सतीश जी, कि मैं अपने डायरेक्ट में कम से कम 10 लोगों को डायमंड लेके जाना हूं, जा रहा हूं। अगर मैं अगले 1 साल में भी ये काम करूं
तो सर अगले एक साल की मेरी इनकम क्या हो सकती है, आप लोग कैलकुलेशन कर लें, और आप मेरे लिए नहीं सब अपने लिए कर लें। मैक्सिमम लोग यहाँ डायमंड एंड अबव हैं। बिल्कुल सर। तो सतीश जी, मैंने कैलकुलेशन आप लोगों को देने की कोशिश की, और ये कैलकुलेशन मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपनी टीम के सामने सुबह से लेकर शाम तक हर जगह दें, जहां भी आप नया प्लान दें, अपने लीडर्स के साथ बैठें, ये कैलकुलेशन जरूर दें, ताकि लोगों को पता लगे वर्किंग का पोटेंशियल क्या है। पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने क्या कैलकुलेशन दी, तो इतने लगा इतने आएंगे सर, उससे हमारे पास बंदे नहीं आए, केवल इन्वेस्टमेंट आया, एक लायबिलिटी खड़ी हुई हमारे लिए भी और हमारे प्लेटफॉर्म के लिए भी। लेकिन अगर आज हम वर्किंग करेंगे 110 यूरो, सर आज 110 यूरो का मतलब 10,000 रुपए 11,000 रुपए बनते हैं। सर आप दुनिया की किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओ, सर इतने रुपए का प्रोडक्ट आप हर जगह खरीदते हो, खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? बिल्कुल खरीदते हो। तो सर आज हम यहाँ से कितना बड़ा काम कर सकते हैं, तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। अच्छा, यहाँ पे अभी सुखदेव जी कुछ हैंड रेज कर रहे थे, तो एक बार राज भाई उनको अनम्यूट करो। सुखदेव सोना जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। जी 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 सर, गुड मॉर्निंग। सर अभी आप 50,000 के कॉन्सेप्ट सेलिंग की बात कर रहे थे, इससे पहले हमारे इंडिया में वो जो पान लाइफ भी तो आई थी, लगभग 80,000 या 1,00,000 का वो प्रोडक्ट देते थे, और सिर्फ 85,000 का गद्दा था सर, 85,000। हाँ जी हाँ जी, और वो भी सिर्फ एक गद्दा था। तो सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर, कि हम लोग भी अगर कॉन्सेप्ट सेलिंग पे आए, हम अपने प्लेटफॉर्म की ताकत को समझे कि हम लोग एक एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हैं, तो हम यहाँ से वर्किंग का कितना बड़ा पोटेंशियल। आज सर कितने सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर सर 2-2, 5-5, 10-10 साल सर उनके हो गए, और आज उनकी जेब के अंदर सर 20,000 रुपए नहीं है। अगर हम उन लोगों से मिलें और उन्हें हम यहाँ पे बिल्कुल सेम उनका पैटर्न समझाएं कि आप अगर डेली एक व्यक्ति से भी बात करते हो, तो कितना बड़ा रेवेन्यू आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो अगले 1 साल के अंदर। राइट सर, राइट सर। वैसे अगर देखा जाए तो लोग फॉरएवर कर रहे हैं, उसमें भी लगभग अगर ज्वाइनिंग की बात करें तो 25,000 से 30,000 की ज्वाइनिंग है उसकी भी, क्योंकि 2cc करना होता है। सर जी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जहां जितना में हमारा प्रोडक्ट आ रहा है ना सर, इससे कम में कहीं आओगे ही नहीं आप। राइट सर, राइट सर। लोग ना वेस्टीज के अंदर लोगों को 5-5 लाख का सामान भर देते हैं उनके घर में, जो उनके घर को भी घेरता है, अगले 5-2 साल बाद उसको फेंकते हैं वो, क्योंकि वो तब तक एक्सपायर कर चुका होता है, गोडाउन बनाया होता है सर। क्योंकि मैं 20 साल से प्रोडक्ट बेस पे था, तो हर किसी के घर गोडाउन ही बना होता है। तो सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर, कि ये कैलकुलेशन प्लीज आप सब लोग अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करें, और सर मेरा इतना ही कहना था सर, और सर इसको मैं आप सब लोग सर ये प्लीज ये कैलकुलेशन आप देनी शुरू करें, बार बार रिपीट करें सर। इससे क्या होगा, पिछले 1.5 साल में हमने केवल प्रोडक्ट को रिपीट किया, अभी सर प्रोडक्ट को केवल 2 मिनट बताएं, अगली 20 मिनट आप ये कैलकुलेशन दें सर, लोगों को समझ आएगा कि हम यहाँ से कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो सर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, हमारे बीच में अगर विनोद स्वामी सर हैं या यस सर हैं, तो प्लीज सर आप उनको भी अनम्यूट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच ललित सर। डिजिट्स जो होती है वो हमेशा वर्क करती है, क्योंकि जब सामने से की कैलकुलेशंस होती है ना, तो वो हमेशा दिखाई देती है कि ये वाकई में पॉसिबल है। अंदाजे से बोलना कि हम इतना कमा सकते हैं, हम लाखों कमा सकते हैं, हम करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन जब डिजिट्स सामने आ जाती हैं कैलकुलेशन के हिसाब से, तो हमेशा वो दिमाग में बैठती है। और सर ये कैलकुलेशन मेरे भी दिमाग में बैठी, कल रात को जब आपने सेशन लिया था तो कुछ कैलकुलेशन क्लियर हुई थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट आया था, लेकिन क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी कि ये सेशन फिर से होना चाहिए। आज मुझे मौका मिला और पूछने का, तो आपसे जरूर पूछा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं उस शख्सियत से जो क्रिएटर्स के क्रिएटर है, मैं हमेशा उनको नाम दिया है क्रिएटर्स के क्रिएटर, मिस्टर विनोद स्वामी सर। सर अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और कम्युनिटी को गाइड करें, अब हम आगे कैसे करना है, सेशन को क्लोज करेंगे। वेलकम जी, बहुत बहुत धन्यवाद राज सर। आज एक्चुअली मैं मोबाइल के ऊपर हूँ, लैपटॉप के ऊपर नहीं हूँ। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने त्यागी सर की पूरी कैलकुलेशन सुनी समझी। मैं यहाँ पर हैंड रेज करना चाहूंगा, 232 लोगों में से कितने लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आ गई है, क्या एक बार अपना हैंड रेज कर सकते हैं सभी लोग? गुड, ग्रेट, एक अच्छे एवरेज में आज तकरीबन लोगों की चीजें समझ में आ गई है। तकरीबन 65 से 70 लोगों के हैंड रेज हो गए हैं। इट मीन्स ये कैलकुलेशन के ऊपर अगर काम किया जाए तो
हम लोग अपनी जो चाहत है ना उनको पूरा कर सकते हैं। जरूरत तो कहना अजीम जी की हम लोग पूरी कर ही रहे हैं, लेकिन हमने जो काम करना है वो अपनी चाहतों के आसार इस पे करना है, और चाहते जिस व्यक्ति की जितनी बड़ी होगी वो सारी चीज पॉसिबल है, बस उसकी प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। और कोई भी दुनिया का काम, चाहे वो कितना भी बड़ा काम है, कितनी भी बड़ी इमारत है, कुछ भी है, वो पहले पेपर के ऊपर वर्कआउट होती है, देन वो फिजिकल आती है। तो हमने पहले अपना पेपर लेना है, पेन लेना है, पेपर के ऊपर अपना पूरा रोड मैप तैयार करना है, मुझे अपनी जो रैंक है, करंट की रैंक क्या है, और मुझे फ्यूचर में कौन सी रैंक के ऊपर जाना है। तो ये सारी चीजें आप जब नोट डाउन करोगे तो आपको एक आसान रास्ता मिलेगा कि मेरा कितना टर्नओवर लगने वाला है, कितना टीम साइज लगने वाला है, किन लोगों को मुझे लेकर आना है। तो पहले सारी चीजें आप पेपर के ऊपर नोट डाउन करो, उस हिसाब से अपनी टाइमिंग सेट करो, तो आपको आपके अंदर से एक एनर्जी आएगी जो आपसे बहुत अच्छा काम कराएगी। अब बहुत से लोग कहते हैं जैसे फील्ड में कि जी आप अपनी एक लिस्ट बना लो, और हर व्यक्ति बोलते नहीं जी लिस्ट तो मेरे मोबाइल में है। हर व्यक्ति की लिस्ट मोबाइल में है, किसी के पास 2000 कॉन्टेक्ट है, किसी के पास 4000 कॉन्टेक्ट है, किसी के पास 1000 कॉन्टेक्ट है, लेकिन जब वो एक डायरी के ऊपर नोट होते हैं और हम जब डायरी को वर्बली देखना चालू करते हैं तो कुछ ऐसे नाम होते हैं जो बहुत अच्छी पोटेंशियल रखते हैं और जो हमारे माइंड में नहीं होते, और जब हम उनसे कॉल करते बात करते हैं, उनको प्लान समझाते हैं, तो व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर जाता है। तो लिस्ट हमारी वास्तव में डायरी के ऊपर होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारी अपनी, एक बार हमने जो भी अपना टारगेट लिया है, जो भी हमारा, चाहे वो मिड टर्म गोल है, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल है, चाहे वो अपना एक बिल्कुल फाइनल गोल आपका लाइफ का है, तो सारी चीजें आप क्या करो, आप एक डायरी के ऊपर नोट कर लो, उसके आधार पर आप प्लानिंग करो। और ये जो कैलकुलेशन अभी यहाँ पर ललित सर ने बताई है, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकल इस तरीके से काम करें तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पैसा हमारे पास आ सकता है। तो हमने वो सारी चीजें करनी पड़ेगी, खुद से आज हमें खड़ा होना पड़ेगा। हमें इंतजार नहीं करना कि कोई व्यक्ति आएगा, कोई सीनियर आएगा, वो मेरे नेटवर्क में लोगों को प्रेरित करेगा, मेरा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। नहीं साथियों, हमने खुद से लोगों को कॉल करनी है, खुद से लोगों को वेबिनार के ऊपर बिठाना है। हमने आज करते क्या, हम लोग हम घर पर ही रहते हैं मैक्सिमम, देखा जाए तो 99% लोग आज घर पर रहते हैं। घर पर देखा जाए तो आज हम लोग बेहतरीन तरीके से अपने काम कर सकते हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर भी अच्छा ध्यान दे सकते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद दोपहर का लंच, कितना टाइम गैप मिल गया हमारे को, तकरीबन हमारे को 5 से 6 घंटे का गैप मिल गया। इस बीच में हम लोग नए नए लोगों से बात कर सकते हैं। दोपहर को लंच के बाद यानी कि 1 घंटा अगर उस टाइम पे हम रेस्ट का निकालते हैं, फिर शाम हमारा 7:30 बजे का वेबिनार होता है, फिर हमारे को 4-5 घंटे का टाइम मिल गया। आज हम घर बैठकर डायरी के ऊपर, फोन कॉल के ऊपर आज इतने लोगों को कॉल कर सकते हैं कि अगर हमने ये काम ईमानदारी से करना चालू कर दिया तो शायद शाम तक कॉल करने के लिए हमारे पास सोचना पड़ेगा कि अब किसको कॉल किया जाए। लेकिन हम लोग ईमानदारी से कॉल करते नहीं है, क्योंकि हमारी जो हैबिट है कि हम लोगों से काम कराया जाता है, हम लोग करते नहीं है। स्कूल के अंदर अगर हम जाते थे तो टीचर हमारे को पीट कर, डांट कर, फटकार कर काम कराते थे। घर से जब स्कूल जाते थे, इच्छा से जाना नहीं चाहते थे, तो माता पिता पीछे से डांट कर, फटकार कर हम लोगों को स्कूल भेजते थे। हम लोग हमेशा लास्ट मोमेंट पर काम करते थे, तो वही हैबिट कहीं ना कहीं हम लोगों की बनी हुई है। आज भी ज्यादातर जो व्यक्ति जॉब के ऊपर जाते हैं, टिफिन लेके जाते हैं, टिफिन लेकर आते हैं, वो घर से जाते 2 से 3 घंटे वो कहीं ना कहीं, ट्रांसपोर्ट का भी उनका लगता है, 10 घंटे वो कहीं ना कहीं जॉब में रहते हैं, तो वो अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहते। उनके ऊपर जो मैनेजर, जनरल मैनेजर या कुछ कोऑर्डिनेटर लोग बिठाए जाते हैं, वो उनके ऊपर डांट कर, चिल्ला कर, फटकार कर उनको उनसे काम कराते हैं। नहीं तो आप देखो, ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर 2 हिस्से होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव पार्ट भी होता है और लेजी पार्ट भी होता है। हम ही लोग हैं, जब एक्टिव होते हैं तो हम लोग थकते नहीं है, बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, और जब हमारी बॉडी के अंदर लेजी पार्ट आ जाता है तो हम हर छोटे छोटे काम से मतलब आलस्य मानते हैं, हम लोग उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब पीछे से प्रेशर होता है तो हमारा आलस्य सेकंड में काम मतलब वो गायब हो जाता है, क्योंकि पीछे से जब प्रेशर आता है तो हमारे से वो ताकत काम कराती है। तो कोई दूसरा व्यक्ति हमारे से काम करा रहा है तो बेहतर है कि हम खुद से अपने आप जाग जाए, क्योंकि ड्रीम हमारे हैं, जीवन को हमने जीना है, कोई दूसरा जगाए उसमें मजा नहीं है। हमने वो क्वालिटी पैदा करनी है, जैसे हंस है, हंस की क्वालिटी है, अगर उसके सामने आप दूध रख दें और दूध के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें तो साथियों हंस पानी छोड़ देगा, केवल दूध पिएगा।
इसी तरीके से जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो दो तरह की क्वालिटी, मतलब दो तरह की क्वालिटी हमारे को मिलती है। एक क्वालिटी मिलती है जो हमारे कंधे पर हाथ रखती है, हमारे साथ खड़ी होती है, हमारा हौसला अफजाई करती है और हमारे बिजनेस में हमारे साथ आगे बढ़ती है। एक क्वालिटी होती है जो हमें हतोत्साहित करती है, हमारे से जेलिसी करती है, हमारा जो मार्गदर्शन है उसको रोकने की कोशिश करती है, हमें हमेशा नेगेटिव करने की कोशिश करती है। तो हमने कौन सी क्वालिटी के साथ चलना है हम लोग बखूबी जानते हैं। तो हमने हंस वाली क्वालिटी, यानी कि दूध को पीना है पानी को छोड़ देना है, यानी कि नेगेटिव माहौल को हमने वहीं छोड़ देना है अगर हमने आगे बढ़ना है, क्योंकि हम लोग लीडर है। हमने किस तरह के लोगों में बैठना है, किस तरह की हमारी सोसाइटी होनी है, किस तरह के लोगों के साथ हमें चलना है, ये सिलेक्शन हमारा करना बहुत जरूरी है। हम लोग अपने दिनचर्या का हिस्सा किस तरह की मेंटेलिटी के लोगों के साथ बैठते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। साथियों, हंस जो है वो हंस के जोड़े के साथ ही उड़ता है, हंसों के झुंड के बीच में ही हंस उड़ेगा, कभी भी हंस कौवों के बीच में नहीं उड़ेगा। तो हम लोग हंस है, हम लोग हंसों के साथ उड़े। लीडर है तो लीडरशिप के अंदर रहे, निगेटिव लोगों के अंदर हम बिल्कुल भी ना रहे। बाज है वो हमेशा बाजों के साथ उड़ता है, बाज के झुंड के साथ उड़ता है, बाज कभी भी कबूतर के साथ नहीं उड़ेगा। तो हम लोग बाज बने क्योंकि हम ऑलरेडी बाज है, हम लोगों से बहुत ऊंचाई पर है। तो हम लोग अपने उस लेवल को मेंटेन रखने के लिए हमने अपना वही सर्किल, वही एनर्जी देने वाले लोगों के साथ हमने रहना है, वही साहित्य हमने पढ़ना है, वही संगत हमने बनानी है। तो साथियों, हमें फिर जब चारों तरफ से अच्छी ऊर्जा मिलेगी तो हम चाहकर भी कभी निगेटिव माहौल में नहीं जाएंगे। और जब किसी भी व्यक्ति को, अगर एक चोर को अच्छी सोसाइटी मिल जाए तो वो भी एक अच्छी संगत में आकर एक अच्छे, मतलब हिस्ट्री क्रिएट कर देता है। लेकिन एक अच्छे राजा को, एक अच्छे महापुरुष को अगर चोर की संगति मिल जाए तो डेफिनेटली वो एक चोर की संगति पा जाता है, ये हम सबको पता है। तो इसलिए हमने अपनी जो संगति है उसको बेहतर लोगों में लेकर जानना है। वो ऐसा नहीं कि लोगों में ही बेहतर हो सकता है, संगति का मतलब ये भी हो सकता है कि हमारी किताब जो है, हमारा जो बुक साहित्य है, हमारा जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर अच्छा साहित्य हम उसको रीड कर सकते हैं, वो हमारे एक सच्चे साथी हो सकते हैं। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए इन चीजों का साथ होना बहुत जरूरी है, संगति का चेंज होना बहुत जरूरी है। अब ये कैरेक्टर हमने आपने डेवलप करना है। छोटी सी कुछ चीजें है वो हम लोग जानते हैं, उसका हमें पालन करना है। डिसिप्लिन, अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, थोड़ा डिसिप्लिन को अपने अंदर डेवलप करो। पंक्चुअलिटी, अगर हमारे अंदर पंक्चुअलिटी की थोड़ी कमी है तो पंक्चुअलिटी को डेवलप करो। ऑनेस्टी की कमी है प्लान के प्रति, सिस्टम के प्रति, वर्किंग के प्रति, अपने मतलब हर चीज के प्रति, तो उसमें थोड़ी ऑनेस्टी डेवलप करो। थोड़ी अगर कंसिस्टेंसी में कमी है, अगर आज भी हमारे वही भाव है कि किसी भी कंसेप्ट में 2-3-4 महीने में सफलता मिल जाएगी, तो साथियों ऐसा कभी होता नहीं। तो ये पंक्चुअल, मतलब ये जो थोड़ी कंसिस्टेंसी का अभाव अगर हमारे अंदर है तो इसका इतना डेवलप करो कि जिस तरीके से बड़े बड़े पर्वत एक जगह खड़े रहते हैं, जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति जब लंबे समय के लिए टिकता है तो वही व्यक्ति हिस्ट्री क्रिएट करता है। एक व्यक्ति जिंदगी के 30 साल 35 साल 40 साल जॉब के ऊपर बिताता है, लगातार जॉब करता है, तब जाकर वो मतलब अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश, अपने बच्चों की शादी, एक अच्छी एजुकेशन या उनकी जो भी लाइफ स्टाइल है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि वो 2 महीने कहीं 2 महीने कहीं 2 महीने कहीं। तो कंसिस्टेंसी को धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करें। तो साथियों, आप देखोगे अगले कुछ समय के बाद, ज्यादा नहीं कहूंगा 2-3 साल के बाद, हम लोगों की जो लाइफ यहाँ से बदलने वाली है, लोग आपके और हमारे उदाहरण लेके, मतलब मार्केट में हमारे और आपके उदाहरण चले गए। लेकिन उसके लिए हमने टिकना भी पड़ेगा, उसके लिए हमें सीखना भी पड़ेगा, उसके लिए हमने अपनी पूरी प्लानिंग, पूरा रोड मैप हमने तैयार करना पड़ेगा, अच्छी संगत हमने तैयार करनी पड़ेगी और बड़े विजन के साथ हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन ज्यादा नहीं कहेंगे। कंपनी ने अच्छा प्रोजेक्ट हमारे को दे दिया है। कैशबैक हर किसी की जरूरत है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो जॉब के ऊपर जानने वाला व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, हर कोई आज कैशबैक को परचेज कर सकता है, बशर्ते हम उसके पास जाए और कैशबैक के बेनिफिट उनको बताए। हम छोटे छोटे अमाउंट के साथ उसको एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिला सकते हैं। तो हमने अपना निकलना है अगर अपने सपनों को पूरा करना है। खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा, बातों के साथ काम करना भी बहुत जरूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, विश यू ऑल द बेस्ट, आपका दिन ग्रेट हो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच विनोद स्वामी सर, आप हम सभी के मेंटर हैं और आपकी एजुकेशन देने का जो बिल्कुल सिंपल तरीका है वो हमेशा कम्युनिटी के काम आता है। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे शाम को 7:30 बजे वाले प्लान प्रेजेंटेशन के जूम वेबिनार में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आएंगे।
क्योंकि जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे, अपने लोगों को नहीं सिखाएंगे, न्यू गेस्ट को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तब तक बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। तो हर पर्सन शहर के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा आता है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो इससे अच्छा है अपने पर्सन को, अपने गेस्ट को, चाहे वो अपने शहर में हो चाहे कहीं बाहर हो, उन्हें कॉल करके इन्वाइट करें, कॉल करके इन्वाइट करें। सिर्फ व्हाट्सएप से काम नहीं चलता। और इतनी शानदार इन्फॉर्मेशन जो कल दी गई है ललित त्यागी सर द्वारा, वो आप सभी के पास भी पहुंचे और आपके लोगों के पास भी पहुंचे, ताकि आपका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके और आप सभी डायमंड बन सके और प्लैटिन डायमंड बन सके। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। प्लैटिन वर्ड द टाइम इज